इंट्रोडक्शन टू योगा। योगा कैन कोज वंडर्स इफ वन प्रैक्टिसेस इट रेगुलरली। योगा इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल लाइक हाउस होल्ड, एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज अदर्स हु नीड टू कोप अप विद स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ। Yoga is a skill in action and a life education. Yoga is an education which increases our intellectual power. It represents the integration of all positive life forces. It helps to live a life with peace and good health happily. The word yoga is derived from the Sanskrit word yuj, which means to unite or to join. So yoga unites all aspects of a human being, that is physical, social, mental, intellectual and spiritual. It is an education and after its study we get pleasure, joy, happiness and bliss in our life. Yoga is defined by different sages in many ways. Maharshi Vedvyas defined yoga as attaining the pose, whereas in Bhagavad Gita, yoga is defined as yoga karmeshu koshlam, which means skill in action or efficiency alone is yoga. One should practice yoga because yoga helps us to remain fit and healthy. Yoga helps us in developing concentration and provides us peace and satisfaction. We should begin the yoga learning after praying to the Almighty God or the Supreme Power. Therefore, one should prepare oneself for yoga practice. We should start yoga with prayer. ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नाउ वी स्टार्ट स्टैंडिंग पोजिस ताड़ासन। इट गिव्स द बेली ए गुड स्ट्रेच, इट एनहेंस आवर बॉडी पोस्चर, इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, it eases sciatica, relax, it helps in tightening the abdominal muscles, it relieves stress and anxiety, और यह आसन बच्चों के लिए स्पेशली हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन strengthen the legs, knees, arms and chest. It reduces stress, anxiety, back pain and sciatica. It enhances blood circulation. It helps in increasing height. Now relax. Now next asana, sitting pose. Sitting pose is Vajrasana. It cures the problem related to menstruation. It cures mental stress. It strengthens the pelvic muscles. It removes postural defects. It prevents hernia and gives relief from piles. It helps in reducing hip fat. It gives relief from constipation, acidity and increases the efficiency of the digestive system. इसमें हमारे पीछे से फुट फ्लैट रहेंगे, टोज जमीन पर टिके हुए होंगे और ये एक ऐसा आसन है जिसको कि हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। नाउ रिलैक्स। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दिस आसन इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग साइनस, constipation, menstrual disorder, urinary tract disorder and spondylitis etc. It regulates the secretion of adrenaline and bile and thus is recommended in yoga,
मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज. इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट रिलैक्स गोमुखासन. इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. इट हेल्प्स इन कीपिंग द शोल्डर ज्वाइंट हेल्दी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग. इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ लंग्स. रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दिस आसन हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइटिका. इट आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी. इट हेल्प्स इन स्टेइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग. रिलैक्स पर्वतासन माउंटेन पोज. इट हेल्प्स इन एनहेंसिंग हाइट. इट रिड्यूस द एक्स्ट्रा फैट इन द बैक एंड वेस्ट. इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स एंड दस स्टिमुलेट्स द ऑर्गन ऑफ एब्डोमिनल रीजन. इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा. इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. नाउ रिलैक्स पवन मुक्तासन विंड रिलीजिंग पोज. इट इजीज द टेंशन इन लोअर बैक. इट स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स. इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम. नाउ रिलैक्स मत्स्यासन फिश पोज. इट इज हेल्पफुल इन क्योरिंग बैक पेन नी पेन. इट आल्सो क्योर द डिफेक्ट ऑफ आईज. इट हेल्प्स इन रिलीविंग टेंशन इन नेक एंड शोल्डर. इट इम्प्रूव्स पोस्चर. इट इज द बेस्ट आसन टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा. रिलैक्स भुजंग आसन कोबरा पोज. इट एलिवेट्स ओबेसिटी. इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी. इट रिमूव्स द डिजीज ऑफ लीवर. इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन. इट स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ हैंड. रिलैक्स शलभासन. इट इम्प्रूव्स पोस्चर. इट स्टिमुलेट्स एब्डोमिनल ऑर्गन. इट हेल्प्स इन रिलीविंग स्ट्रेस. इट एलिवेट्स लोअर बैक पेन. रिलैक्स इन रिमूविंग कॉन्स्टिपेशन. शव आसन जस्ट लाइक ए डेड बॉडी. इट स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम. इट कंट्रोल्स हाई ब्लड प्रेशर. इट रिलीव्स मेंटल टेंशन. इट गिव्स न्यू थिंकिंग बोथ माइंड एंड बॉडी. इट रेगुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन एंड गिव रिलीफ फ्रॉम हेडेक. इट क्योर्स मेनी प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियक प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम एक्सेट्रा. इट रिलैक्स एंड काम्स द कंप्लीट बॉडी. इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड मेमोरी. इट इंक्रीज एनर्जी लेवल. द बॉडी रिलैक्स एंड गोज इनटू ए डीप मेडिटेटिव स्टेट विच इन टर्न रिपेयर्स द सेल एंड टिश्यू एंड रिलीज स्ट्रेस. ये आसन हमारे मन और शरीर दोनों को रिलैक्स करता है और इसको करने से हमें एक शांति का अनुभव होता है. शांति शांति शांति. आज की हमारी क्लास यहीं तक थी.